फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करूंगा बजरंगी भाईजान के 15th डे के बारे में। जी हाँ, इसके अर्निंग्स में अभी तक बहुत ज्यादा उछाल नहीं आया कल से लेकर आज तक में, जो उम्मीद थी कि बढ़िया चलेगी लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। चलिए मैं लिए चलता हूं आपको endgroup.cn पे। 15वां दिन चालू हो चुका है इस फिल्म का और $0.15 million की इसने कमाई कर चुकी है और इसका मतलब साफ है कि इसने कमा लिए है 97.44 करोड़, जिसको मैंने अपने ट्विटर पर भी अपडेट कर दिया है। 97.44 लाख, आई मीन तो करीबन 1 लाख से थोड़ी कम कमाई है। अभी 11:30 बजे तक का वक्त है चाइना में, यानी कि दिन में आई थिंक ग्रोथ होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ जो आई थिंक बहुत ज़्यादा मैटर करेगी आज पूरे दिन। वो ये है कि टॉम रेडर आज छाई रहेगी, अमेजिंग चाइना जैसे चलेगी, शेप ऑफ वाटर शायद और ग्रोथ कर सकती है, ब्लैक पैंथर 4th नंबर पर यानी कि top 5 में बनी रहेगी 2-3 दिन, ऑपरेशन रेड सी बनी रहेगी, यानी कि ये जो 5 फिल्में हैं इन्हें हिला पाना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे एक सरप्राइजिंग एलिमेंट जो मुझे लग रहा है, द बिग बैड फॉक्स एंड अदर टेल्स बहुत बढ़िया ट्रेलर है, बहुत बढ़िया फिल्म है, मतलब एनिमेटेड फिल्म है, उसको रेटिंग बहुत स्ट्रांग मिली है, शायद ये top 5 में जा सके। लेकिन यहाँ पे बजरंगी भाईजान के जो मुझे लग रहा है कि चांसेस है top 5 में जाने के वापस, वो बहुत ब्लर लग रहे हैं। आने वाले 3 दिन में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बजरंगी भाईजान top 5 में बनी रहेगी या फिर top 7 में तक रहेगी, top 6 तक आ जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से गिरने की चांसेस तो बिल्कुल नहीं है। ये फिल्म इससे ज़्यादा तो नहीं गिरेगी 7वें नंबर से, 30 वीक में इसके ऊपर ही आएगी जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन उसके लिए ये देखना होगा कि ये फिल्म यानी कि आज जो रिलीज हुई है, द बैड बैग फॉक्स, टॉम रेडर, द शेप ऑफ वाटर और द जंगल बंच, कैसे परफॉर्म करते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे साफ पता है कि जंगल बुक को छोड़ दे तो बाकी फिल्मों की रेटिंग अच्छी है, चाहे टॉम रेडर हो, चाहे द बैड बिग बैड फॉक्स हो या फिर द शेप ऑफ वाटर। तो ऐसे में top 5 में बने रहना 3rd वीक में बहुत मुश्किल है। अब यहाँ से देखना है कि 1 मिलियन तक कलेक्शन जाता है कि नहीं, यानी कि 6.5-6.5 करोड़ तक, यानी कि 6.5 करोड़ के आसपास, यानी कि 1 मिलियन के आसपास भी कलेक्शन जाता है आज, तो एक बड़ी बात होगी। 5-6 करोड़ में खुद का प्रेडिक्शन है। देखते हैं 15वें दिन क्या होता है, कैसे फिल्म कमाल करती है। यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखो तो शोज़ बहुत कम है, तो शोज़ कम होने की वजह से भी कलेक्शन में इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरी सबसे बुरी चीज़ ये है कि इसके जो टिकट प्राइस है उसमें अब गिरावट आई है। कल 4.85 डॉलर तक था, आज $4.76, यानी कि टिकट पैसे जब कम होगी तो कलेक्शंस में भी ग्रोथ कम दिखेगा। तो ये भी सब कई सारे रीजंस है, अब बस यही देखना है कि फिल्म कहां तक जाती है, क्योंकि 3rd वीक में अगर ये स्लो हो गई तो इसे वापस ऊपर आ पाना मुश्किल रहेगा, फिर धीरे धीरे उतर जा सकती है। लेकिन फिर भी मुझे इतना कंफर्म है कि 3rd वीक में भी फिल्म बनी रहेगी top 10 में, इसमें नो डाउट है। आप कितने खुश हैं इस कलेक्शन के अपडेट से, मुझे पता ज़्यादा खुश नहीं होंगे, लेकिन भाई हिम्मत मत हारिए, फिल्म ने बेहतर अभी तक किया, 2 हफ्ते में आगे भी बेहतर करेगी, इतना इतना मुझे लगता है और इतना होगा ही होगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। चलिए फिलहाल कितना ही, बाय बाय।